स्कूल में गणित वाले गुरुजी पहाड़े याद न रखने वाले लड़कों की तो खूब पिटाई करते थे, पर खुद किसी लड़के का नाम याद नहीं रखते थे किसी को। ए लड़के कहते किसी को लड़के, लेकिन विचित्र बात थी कि कौन लड़का किस गांव का है यह उन्हें याद रहता था। इसलिए किसी को ए श्योपुर वाले लड़के कहकर पुकारते तो किसी को ओ कासिमगंज वाले लड़के कहकर रामचंद्र। तो गणित वाले गुरुजी से ए बिचौली वाले लड़के सुनने के आदि हो चुके थे, पर मोहन को ए बिचौली वाले लड़के कहकर पुकारा। जाना अच्छा नहीं, उन्होंने कहा। गुरुजी हमारा नाम है मोहन, या हो तो बिचौली के ही, गुरुजी ने लापरवाही से कहा। गुरुजी हम बिचौली खास के हैं, मोहन खास पर जोर देकर कहा। लेकिन गुरुजी तब भी नहीं समझे, झुंझलाकर बोले, खास हो या आम हो तो बिचौली के ही। मोहन को बहुत बुरा लगा, ये कैसे गुरुजी हैं जो बात को समझते ही नहीं। बात यह थी कि मोहन के गांव का नाम बिचौली खास था, और खास होने का कारण यह था कि उस इलाके में बिचौली नाम के 3 गांव थे, बिचौली कला, बिचौली खुर्द और बिचौली खास। लोग इन गांवों को बड़ी बिचौली, छोटी बिचौली और सीएम बिचौली भी कहते थे। अब बिचौली शब्द का अर्थ मोहन और मोहन तो क्या, उनके माता पिता, चाची चाचा, ताई ताऊ और दादी दादा भी नहीं बता सकते थे। लेकिन ये किस्सा हर कोई सुना सकता था कि पहले बिचौली नाम का एक ही गांव था जो 3 भाइयों ने बसाया था। अच्छा खासा बड़ा गांव था, लेकिन भाइयों में झगड़ा हो गया तो दूसरे भाई ने दूर जाकर दूसरा गांव बसा लिया, तीसरे भाई ने और भी दूर जाकर तीसरा गांव बसा लिया। एक के 3 गांव हो गए, पर नाम तीनों का एक ही रहा बिचौली। मगर लोगों को इससे परेशानी होने लगी। बिचौली की बात चले तो पूछना पड़े कौन सा बिचौली, जवाब में बिचौली के पीछे 3 जोड़ दिए गए, कला, खुर्द और खास।